नमस्कार आप सभी को, मैं ऋचा कपूर एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है लिपि। हमने भाषा सीख ली, बोली सीख ली, भाषा बोली में डिफरेंस सीख लिया, राष्ट्रभाषा क्या होती है वो भी सीख ली। तो आज हम बात करेंगे लिपि। अब आप पूछेंगे मैम लिपि होता क्या है ना। लिपि जब हम किसी चीज को बोलते हैं, जब हम बात कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अपने मन के विचार जब हम दूसरों को प्रकट करते हैं, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की। अब इस भाषा को हमें लिख कर देना है। हम कुछ भी तो नहीं लिख सकते ना। हमें अगर अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? क्या हम ये लिख देंगे? आपको समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा? नहीं ना। कुछ भी लिखने से नहीं चलेगा। कुछ भी लिखना लिपि नहीं है। लिपि क्या होती है? जब हमने, मतलब मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, जब हमने अपने विचार दूसरों को बताने हैं तो उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जो निर्धारित किए होते हैं कि इन चिन्हों का प्रयोग करके अगर आप लिखेंगे तो वो सामने वाला इंसान भी उसको उन्हीं चिन्हों से, क्योंकि वो चिन्ह हमने सबने सीखे होते हैं। तो हर भाषा का अपना एक चिन्ह होता है। जैसे कि हमारी जो लिपि है, हिंदी भाषा की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसे देवनागरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवनागरी। सबसे पहले हम जानेंगे लिपि कहते किसको है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिन्हें इसकी जरूरत है। तो अब शुरू करते हैं, लिपि कहते किसे है। मौखिक, भाषा को, जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि। हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। हर भाषा की एक लिपि होती है। कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है आज मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि ध्वनियों को, जो हम बोल रहे हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लिपि। ठीक है। ताकि हम, अब मैंने जो लिखा आप पढ़ पा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि आपने इस लिपि को सीखा है, पहले आपने इस लिपि की शिक्षा ली है, उसके बावजूद मैं लिख रही हूँ आपको भी आता है तो आप इसको क्या करेंगे? पढ़ पाएंगे। अगर मैं अभी उर्दू लिखने लगूं, ठीक है, तो आप कहेंगे मैम हमें तो नहीं समझ आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको ये नहीं आती है। जो आपको आती है, जिस भाषा का आपको ज्ञान है, आप उसी को ही पढ़ पाएंगे। तो ये होती है लिपि। अब हम बात करेंगे किस भाषा की कौन सी लिपि है। यहां पर हम लिखेंगे भाषा और यहां पर लिखेंगे लिपि कौन सी है। ठीक है, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। हिंदुस्तान में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। क्या नाम है? देवनागरी।
करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी की है रोमन। चलिए देवनागरी की कौन कौन सी भाषाएं हैं, ये देवनागरी किन किन भाषाओं की लिपि है? यहां पे लिख देते हैं हम मराठी और गुजराती। अगर इनकी बात करें तो ये भी किसकी है? इनकी लिपि भी क्या है? देवनागरी ही है। तो हर भाषा की अपनी लिपि है, हिंदी मराठी गुजराती की देवनागरी आ गई, अंग्रेजी की क्या है? रोमन। अगर हम बात करें उर्दू की, उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। ठीक है, उर्दू की लिपि हुई फारसी। अब बात करते हैं पंजाबी की। हम पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। क्या नाम है? गुरुमुखी। तो ये है भाषाएं और ये है इनकी लिपियां। तो ये था लिपि किसे कहते हैं और कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लिपि किसे कहते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।